हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये खुजरी। ये देखिए, ये भैंस के दूध से हमने खुजरी बनाया हुआ है। ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही थक्केदार खुजरी बनकर रेडी हुई है। ये देखिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हमने इसे भैंस जो बच्चा देती है उसके 5-6 दिन के अंदर जो दूध होता है, हम उससे बनाकर इसे रेडी कर सकते हैं। ये नॉर्मल दूध से नहीं बनती है। ये देखिए कितनी अच्छी, कितनी टेस्टी खुजरी हमारी बनी हुई है। ये देखिए, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही थक्केदार खुजरी बनकर रेडी हुई है। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखिए, ये दूध लेना है। 1 लीटर हमने यहाँ पर भैंस का दूध लिया है। ये देखिए, हमने इसको बनाने के लिए ये भारी तले का बर्तन लिया है। तो आप भारी तले का बर्तन में ही खुजरी बनाएं। पतला बर्तन रहेगा तो हमारी खुजरी अंदर से नीचे से जल जाती है। ये देखिए, हमने यहाँ पर चीनी लिया हुआ है। आप चाहें तो इसमें गुड़ ले सकते हैं। तो ये देखिए, हमने इसे गैस पर चढ़ा दिया है और इसका फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। हमें फ्लेम को हमेशा लो रखना है जब भी हम खुजरी बनाएंगे। स्टार्टिंग में हमें फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और इसे ढक देना है। तो ये देखिए, जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसमें चीनी डाल देंगे। ये देखिए, उबाल आने के बाद हमने इसमें चीनी डाल दिया। आप यहाँ पर गुड़ ले सकते हैं। चीनी डालने के बाद ये देखिए, हमने इसे हाफ ढका हुआ है और हाफ खुला हुआ है और फ्लेम बिल्कुल लो रखा है। ये देखिए, आप इसे पूरा ना ढके, आप इसे इस तरीके से आधा ढके और आधा खुला रहने दें। और इसे चीनी डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक फिर से ऐसे ढककर पका लें और फ्लेम को हमेशा लो ही रखना है। तो ये देखिए, 2 मिनट हो गए हैं। ये देखिए कितनी अच्छी फूल कर खुजरी हमारी रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी खुजरी हमारी बनकर रेडी हो रही है। ये देखिए, यहाँ पर किनारे से पानी अलग हो रहा है और ये खुजरी अलग हो रही है। तो इसे हम 2 मिनट के लिए फिर से ढक देंगे। इसे फिर से आधा ढका और आधा खुला ही हमें रखना है और फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। तो ये देखिए, 2 मिनट हो गया है और हमारी ये खुजरी बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी थक्केदार हमारी खुजरी बनी हुई है। तो आप भी इसे आसानी से बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये देखिए, इसको बनाने के लिए हमें हमेशा फ्लेम को लो ही रखना है। ये देखिए, हमने यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और ये देखिए, अब इसे ढक कर रख देना है हमें। जब ये ठंडी हो जाए तभी इसे सर्व करें। इसे गर्मा गर्म नहीं खाते हैं। आप इसे फ्रिज में रख कर ठंडा कर सकते हैं या फिर ऐसे ही इसे ढक कर रख दें। ये रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल हो जाए तब इसे आप खाएं। ये देखिए कितनी अच्छी, कितनी टेस्टी खुजरी हमारी बनी हुई है।